राधे राधे भक्तों, आज हम आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुना रहे हैं। उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति, महिमा, मातम आदि सुन मंत्रमुग्ध होकर अर्जुन बोले, हे देवों के भी पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप सबको सुख और मोक्ष देने वाले हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवाधिदेव, आप हित चाहने वाले हैं, कृपा करके मेरी एक उत्सुकता को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो कुछ जानना चाहते हो निसंकोच कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी उत्सुकता को शांत करूँगा। हे श्री हरि, यह जो आपने माक्षिस माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताया है, उससे मुझे बड़ी शांति प्राप्त हुई है। अब कृपा करके माक्षिस माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके विषय में भी बताएं। उसका नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है, इसकी विधि क्या है तथा इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। भगवान, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देकर उत्सुकता को दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। माक्षिस माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे अर्जुन, इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पितरादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक पुराण में इसकी कथा इस प्रकार से है, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पितरों को नरक की यात्राएं भुगते हुए देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर वह बड़ा ही व्याकुल हुआ। उसके बाद वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष स्वप्न की बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पितरों को नरक में पड़े देखा। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं, तब से मुझे चैन नहीं आ रहा। मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान और व्रत आदि बताएं, जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाने के प्रयास नहीं किए, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। जिसके पितर नरक की यातनाएं भोग रहे हों, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देव, मुझे शीघ्र इसका कोई उपाय बताएं। राजा की ऐसी नाशापूर्ण और दुख भरी बातों को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एकमत होकर बोले, हे राजन, यहाँ से समीप ही वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। आप ये सब बातें उनसे जाकर पूछें, वे अवश्य ही आपको उसका सरल उपाय बताएंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे दिखाई दे रहे थे। राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बताया, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात ही मेरे समक्ष एक ऐसी समस्या आखड़ी हुई है जिससे मुझे बड़ी अशांति मिल रही है। फिर राजा ने उन्हें रात में दिखे हुए स्वप्न की पूरी बात बताई और दुखी स्वर में बोला, हे महामुनि,
अब आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे में अपने पिता को नरक की यात्रा से मुक्ति दिलाऊं। पर्वत मुनि ने गंभीरतापूर्वक राजा की बात सुनी, फिर नेत्र बंद करके भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरतापूर्वक चिंतन करने के बाद वे बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा हमारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। तब राजा वैखानस याचना भरे स्वर में बोले, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताएं, किस प्रकार से वे इस पाप से मुक्त होंगे। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, माक्षिष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया, कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए वह अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, यह कहकर स्वर्ग को चला गया। हे अर्जुन, जो मनुष्य माक्षिष माँ के शुक्ल पक्ष एकादशी को व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में वे स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से अनंत फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हर इंसान की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का भी इस कथा से उत्तम दृष्टांत दूसरा कोई नहीं है। अतः भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह व्रत पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए। कथासार: पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की अनुपम गाथा है ये कथा। इस एकादशी का व्रत केवल व्रत करने वाले प्राणी का ही नहीं बल्कि उसके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस व्रत का फल अर्पण करने से उसके भी पापों और क्लेशों का नाश हो जाता है। जो साधक माता पिता में ईश्वर को देखते हैं, भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा से उनकी समस्त कामनाओं की सिद्धि हो जाती है।